हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है और टुडे जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला वो है एयरक्राफ्ट इंजीनियर का लाइफ क्या होता है एयर इंडिया में, उसके बारे में आज बात करूंगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एज अ एयरक्राफ्ट इंजीनियर, ठीक है ना। तो क्या क्या काम करना पड़ता है और क्या सैलरी पैकेज मिलता है और क्या कहाँ घूमने का सुविधा मिलता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो को हम लोग। तो पहले जो होता है MRO सेंटर, MRO का मतलब होता है मेंटेनेंस रिपेयरिंग ओवरहॉलिंग, ठीक है, मेंटेनेंस रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग। मतलब इसका काम क्या है, MRO का जो काम होता है वो होता है मेंटेनेंस करना, किसका, एयरक्राफ्ट का। एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस का काम है ना वो टोटली करता है कौन, MRO सेंटर। और MRO सेंटर किसके अंदर में आता है, वो आता है आपका AIESL के अंदर, मतलब एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के अंदर क्या आता है, MRO सेंटर। ये जो MRO सेंटर ये कहाँ के लिए है, कोलकाता के लिए है, और भी डिफरेंट लोकेशन के लिए MRO सेंटर बनाए गए हैं। और ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस का काम चलता है। एक रनिंग आवर हो जाने के बाद, एक एयरक्राफ्ट को कुछ जैसे 200 घंटा उड़ जाने के बाद, उसको क्या किया जाता है, चेकिंग के लिए लाया जाता है। तो वो यहाँ पे फर्स्ट एयरक्राफ्ट आने के बाद आपका होता है क्या है, आइडेंटिफाई द स्नेक ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का प्रॉब्लम को चेक किया जाता है बिफोर टेक ऑफ ऑफ चेकअप, मतलब टेक ऑफ होने से पहले चेक ऑल नेसेसरी पैरामीटर्स, मतलब सभी पैरामीटर को चेक किया जाता है, एयर प्रेशर, फ्यूल, एयर प्रेशर, फ्यूल, ऑक्सीजन मास्क, एयरक्राफ्ट का वेट कितना है, लैंडिंग गियर का वेट, लैंडिंग गियर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, अगर ऊपर में जाने के बाद अगर पहिया नहीं खुलेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, बंद हो सकता है, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ों को देखा जाता है, और ये एज अ एयरक्राफ्ट इंजीनियर ये सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। उसके बाद क्या होता है, देन DGCA आता है। DGCA कौन है, ये डायरेक्टरी जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका काम क्या है कि एयरक्राफ्ट को लाइसेंस देना कि ये उड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ऑल नेसेसरी पैरामीटर ऑफ द एयरक्राफ्ट को ये क्या करता है, चेकिंग करता है कि जैसे कि कितना फ्यूल है, क्या कैपेसिटी है, किस प्लेन में कोई ख़राबी है कि नहीं, ये सारे चीज़ों को देखा जाता है। ये कौन करते हैं, ये DGCA के अप्रूव्ड कुछ इंजीनियर होते हैं, वो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, वो ये चेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। और वो जब देखते हैं कि एयरक्राफ्ट ठीक ठाक है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, रनवे या टेकऑफ के लिए भेजते हैं कि ये आपका प्लेन रनवे मतलब उड़ने के लिए रेडी है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एयरक्राफ्ट हो, एक समय उड़ जाने के बाद वहाँ पे DGCA के लोग आते हैं उस एयरक्राफ्ट को चेक करने, जैसे 2000 घंटा, 3000 घंटा ऐसे उड़ने के बाद चेकिंग के लिए DGCA के लोग आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक एयरपोर्ट का, विजिट कराता हूँ कि कैसे एयरपोर्ट में काम होता है। ये हमारा कोलकाता एयरपोर्ट का बेस है, कोलकाता एयरक्राफ्ट में एयरपोर्ट का जो बेस वो देखिए, यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट को लाया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट जो है ना, इसको खुद से ये नहीं आ सकता। जैसे हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट में रैंप एजेंट के लिए जो फॉर्म निकला हुआ है, या ड्राइवर के लिए, उसमें क्या करना पड़ता है, ये देखिए जो गाड़ी टान कर एयरक्राफ्ट को ला रहा है, ये काम एक्चुअल में होता कौन है, रैंप ड्राइवर का। जो रैंप ड्राइवर होता है वो क्या करता है, एक गाड़ी की मदद से एयरक्राफ्ट को आगे पीछे करता है। और आगे पीछे क्यों किया जाता है, क्योंकि जब ये इंजन इसका बंद है तब ये खुद से अपने से आगे पीछे नहीं हो सकता, इसलिए इसको एक गाड़ी की मदद से लाया जाता है। और ये देखिए एयर इंडिया का ये जो विमान है ये क्या है, 390 एयरबस है। अब एयरबस क्या होता है, एयरबस एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट को बनाता है, जैसे कि एयरबस कंपनी है, बोइंग कंपनी है, जैसे बोइंग का जैसे एयरक्राफ्ट आता है वो है 787, ड्रीम लाइनर, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ये एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग कोई और कंपनी करती है, उसके बाद वहाँ से एयर इंडिया हुआ या इंडिगो ही हुआ या विस्तारा हुआ, ये क्या करते हैं वहाँ से ख़रीद लेते हैं, ठीक है। और ये जो बनाता है कौन, वो जैसे ये इसको बनाने वाला कंपनी का नाम है एयरबस, और इस प्लेन का नाम है एयरबस 390, क्या है, एयरबस 390। और इसका सिमिलर वर्सन भी होता है एयरबस 320। और जो सबसे आरामदायक जो एयरक्राफ्ट होता है, जो अच्छा एयरक्राफ्ट होता है, वो है आपका एयरबस ड्रीम लाइनर।
ड्रीम लाइनर जो है सबसे लग्जरियस एम्प्लेन से जिसमें आप सफ़र करके बहुत ही अच्छा महसूस कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं इसमें देखिए ये प्लेन को कार्गो के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये VTSC लिखा हुआ है, ये पंख पे VTSCO, ये इसका मॉडल नंबर है। क्या है? मॉडल नंबर है। ये कहाँ कहाँ पे रहता है? एक देखिए इसके बॉडी पे लिखा हुआ है, और दूसरा कहाँ पे लिखा रहता है? विंग्स के नीचे। और थर्ड वन लिखा रहता है नेक्स्ट वाले विंग्स जो है उसके ऊपर। इससे क्या होगा कि जो नीचे वाले एयरक्राफ्ट है वो ऊपर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और ऊपर वाले फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो सेकेंड विंग्स पे लिखा रहेगा मॉडल नंबर, तो वहाँ से नीचे में जो एयरक्राफ्ट जाएगा उसको पता चल जाएगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट जा रहा है। और इसको देखिए ये इंजन है, जो इंजन का पार्ट है वो विंग्स के साथ लटका हुआ है। क्या है? विंग्स के साथ, मतलब कि लटका हुआ है। और इसमें बहुत सारे दो विंग्स होते हैं, दोनों विंग्स में क्या होता है इंजन को लटकाया जाता है, और एक पहिया का जगह होता है जो ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है अंदर चला जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लैंडिंग गियर। तो इसको क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो ये बहुत समय ऐसा होता है कि ये भीतर, मतलब भीतर जो रहता है वो बाहर नहीं खुल पाता है, किसी भी हाइड्रोलिक प्रॉब्लम के वजह से, हाइड्रोलिक इशू रहने के वजह से ये नहीं खुल पाता है। तो ये सारे चीज़ों को एज एयरक्राफ्ट इंजीनियर को चेक करना पड़ता है, सभी को, सभी पैरामीटर को चेक करना पड़ता है। ये जो देखिए इसमें दो पहिया है, दो दो करके टायर लगे हुए हैं, और इसमें लैंडिंग गियर होता है, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट बहुत ही तेज़ी से उतरता है और फर्स्ट जब लैंड करता है तो काफ़ी ह्यूज मात्रा में थ्रस्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो थ्रस्ट जनरेट करता है उस समय एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए दमदार लैंडिंग गियर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो गोल्ड कलर का देख रहे थे वो आपका इंजन था, ये एक बहुत हाई इंजन है, बहुत हाई पावर का इंजन है। इसमें क्या होता है, ये इसमें ब्लेड लगे हुए रहते हैं, वो ब्लेड क्या करते हैं रोटेट करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, पीछे से गर्म हवा निकलता है। अगर कभी भी आप एयरक्राफ्ट में जाते हो तो कभी भी अगर आपको सबसे अच्छा सीट जो है वो विंडो सीट में, जब मिडिल वाले पोर्शन पे बैठोगे तो उस समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर से आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। और ये जो टोटल है ये एयर इंडिया का कार्गो सेक्शन है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस चलता है। MRO में क्या होता है, मेंटेनेंस एंड रिपोलिंग और ओवरऑलिंग का काम होता है, ये टोटल काम होता है एज ए एयरक्राफ्ट इंजीनियर। ये कौन करता है? एयरक्राफ्ट इंजीनियर क्या करते हैं, इन सारे चीज़ को ऊपर काम करते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं उनको एवोनिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल से हुए इंस्ट्रूमेंट से हुए उनको एवोनिक्स कहते हैं, ठीक है ना। और जो मैकेनिकल से हुए वो लैंडिंग गियर का काम करते हैं। क्या चीज़ का काम करते हैं? लैंडिंग गियर का। तो सबका काम बटा हुआ है, ये तब कुछ जानकारी जो एयर इंडिया के तरफ से। और ये सारे काम को करना पड़ता है किसको? ऐसा एयरक्राफ्ट इंजीनियर को करना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आपको एयरक्राफ्ट के अंदर काम करने को मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।